गुड मॉर्निंग एवरीवन। Remember when you said करेंगे ना ये कहाँ पे वो गाड़ी में बैकपैक उधर। अरे लेना इधर ही है, तू भी क्या कर। तू उधर जाके सोच सकते हैं क्या, लैपटॉप हो गया इनको देखो इनको देखो। सब कुछ हो गया, सब सिक्योरिटी चेकिंग होगी और इमिग्रेशन हो गया, सिक्योरिटी चेकिंग होगी, सब कुछ हो गया। यहाँ पे आके शांति से बैठे और व्यू एंजॉय कर रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट में अभी एज ऑफ नाउ। और मैं बैठा हूँ यहाँ पे, जो कल फोरेक्स कार्ड लिया था उसका एक्टिवेशन करना है तो वो प्रोसेस करते बैठा। अभी टाइम हुआ है 7:19 और फ्लाइट है 8:50 को, तो 8:20 को गेट पर पहुँचना हम लोग को बहुत भूख लगी है। तो अभी हम लोग यहाँ पे मस्त फूड कोर्ट है बाहर लिखा है, तो हम लोग यहाँ पे अभी फूड कोर्ट में बैठे हैं और मस्त व्यू देख रहे हैं। यहाँ पे टेक ऑफ हो रहा है, वाह 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 वाह, नहीं ये तो लैंड हो गया ठीक है। और हम लोगों ने ये सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मंगाया, बहुत ही मस्त लग रहा है। और ये बिग कॉम्बो था जिसमें आप देख सकते हो क्या क्या आइटम अवेलेबल है फॉर 580 रुपीज ओनली। अभी ये जो फ्लाइट है ना सऊदी, ये यहाँ पे सऊदिया, ये यहाँ पे खड़ा था अभी और आई गेस ये प्लान कर रहा है टेक ऑफ के लिए। बहुत मस्त लग रहा है, इतना बड़ा है यार ये प्लेन, और भी होंगे इससे बट ये वाला बहुत सही दिख रहा है। अभी काफ़ी देर से हम लोग के सामने ही खड़ा था, अभी दे आर प्लानिंग टू टेक ऑफ। वो भाई ने यू टर्न मार दिया यार जगह पे, है क्या यू टर्न मारा ना उसने मस्त। अरे वो तो वहाँ पे पार्क हो रहा है, हाँ डीजल डीजल सुन रहे हो। तो डीजल भरवाने नहीं जा रहा। Here's your coffee, madam. पी लो। कौन सी? हाँ? कासा ए। कासा? उसमें पेट चलाऊंगे। अच्छा? बहुत नींद आ रहा, आग बंद हो रहा है। ये प्लान क्या है? इतने दिन सब कुछ चल रहा था, पिछले कई मतलब पिछले कुछ व्लॉग्स में आपने देखा कि कुछ तो प्लानिंग चालू है बड़ी ट्रिप की, तो फिर जा रहे यूएस जा रहे और वैकेशन के लिए, और शॉर्ट टाइम के लिए नहीं थोड़ा लॉन्ग टाइम होने वाला है। अभी ना शक्ल एकदम थकी थकी दिखेगी क्योंकि रात भर सोया नहीं और पैकिंग 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 बस इतना ही चल रहा, बाकी कुछ नहीं चल रहा है। तो थकावट मेरे शक्ल पे दिखती होगी अभी इतना ज़्यादा, और अभी थाके थोड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ कॉफ़ी गर्म। अपनी फ्लाइट मेरे को लगता है वही है जो मैंने देखा, एक ब्रिटिश एयरवेज लैंड कर रहा था। तो कहाँ गया, सर्विस करने गया क्या, धोने वोने गया क्या? यहाँ पे ऐसे खास करने के लिए कुछ नहीं है, थोड़े बहुत लोग हैं और खाना पीना चालू है सबका, कुछ अलग नहीं है। और टाइम फटाफट जा रहा है एक्चुअली ना, 8:08 हो गए, मेक इट फास्ट। हवा कौन से दुनिया के उस छोर पे गेट नंबर 77।
हाँ चालू है। हाँ खड़े हो जाओ और आराम से जाओ। है ना तैयारी। तैयार है अपना उड़न खटोला तैयार है और हम लोग लेट हो गए। फाइनली वी आर बोर्डिंग द फ्लाइट और इन फ्यू मिनट्स विल बी इनसाइड। उसके बाद में सो जाएंगे। टेक ऑफ हो चुकी है और यहाँ से गोल घूम के दुबई, ओमन, दुबई, ईरान, नहीं टर्की, रोमानिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड फाइनली आर डेस्टिनेशन, फर्स्ट डेस्टिनेशन यहाँ पे, इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। चलो अभी मुझे नींद आ रही है तो थोड़ा थोड़ा सो जाता हूँ मैं। इसके अंदर क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक दिस इज पोटैटो, दिस इज पोटैटो, एग ऑमलेट, चिकन सॉसेज, मशरूम्स एंड ये बीन्स है कोई टोमेटो के अंदर। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू हैव इट। आला फिरंगी खाना बहुत ही पंचर दिख रहा है मेरे को। और यहाँ पे मील में मिला है फ्रूट्स, वेज पफ और कॉफ़ी और ऐसे सब। तो 34,000 फीट के ऊपर हम लोग हवा में क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, बस खा सकते हैं, पी सकते हैं, सो सकते हैं और कुछ नहीं तो बाहर दूसरों के खिड़कियों में थोड़ा बहुत घूर सकते हैं और फिर वापस सो सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा टीवी देख सकते हैं। तो चलो इसके अलावा नहीं तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना ये टीवी में जो गेम है उसके साथ थोड़ा छेड़छाड़ किया जाए। हम लोगों ने यहाँ पे केबीसी खेल रहे हैं और सबसे पहले प्रश्न आपके सामने है, हाउ डू यू से गुड बाय इन फ्रेंच? ये है क्या? और वार। गेट। और उसके बाद $100 टू लेट द कैट डिस्क्लोज। $200 जीत गए अपन। और आखिर केबीसी खेलते खेलते आखिर पायलट साहब ने अनाउंस कर दिया कि हम लोग लंदन पहुंचने वाले हैं, कृपया करके अपनी कुर्सी की पट्टी बांध लें। तो आखिर 9 घंटे के फ्लाइट के बाद में हम लोग पहुंच गए यूके। तो गाइस वेलकम टू लंदन। जब समझ में आता है ना कि अपनी दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है और वो बहुत बड़ी है, ये हम लोग को लंदन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पता चला। और इतना अलग एक्सपीरियंस आ रहा था, सब अलग चेहरे और उनमें हम लोग का एक चेहरा अलग था। तो ये है लंदन के एयरपोर्ट में ट्रैम और जिसके थ्रू हम लोग एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जा रहे हैं और वहाँ से हम लोग अपनी नेक्स्ट फ्लाइट बोर्ड करेंगे डायरेक्टली टू वॉशिंगटन। अब आगे करने के लिए कुछ नहीं होगा क्योंकि बस बैठना है फ्लाइट में और वेट करना है हम लोग के फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए यूएसए में। तो हम लोग के साथ आप भी एंजॉय कीजिए। और वैसे नेक्स्ट फ्लाइट में करने के लिए कुछ नहीं होगा, जो आपने अब तक व्लॉग में देखा वो सेम होगा और फिर भी मज़ा आ रहा है और आते रहेगा। अगले 7 घंटे कैसे निकलने वाला ये समझ में नहीं आ रहा, बट हो ना हो मज़ा तो आने वाला है। तो चलो मिलते हैं आप लोगों को डायरेक्टली नेक्स्ट डेस्टिनेशन एंड फाइनल द फाइनल वन वॉशिंगटन। बाय।
लंदन एयरपोर्ट का एक अपना ही मजा है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट जाना पड़ता है ट्रैम से, और वो भी एक नहीं, हम लोग को लगे दो ट्रैम हम लोग के नेक्स्ट गेट तक पहुँचने के लिए, और उसका जो स्पीड था ना, दैट वाज रियली वेरी एडवेंचरस। बस अब फ्लाइट बोर्ड कर रहे फाइनली, और कुछ घंटों की जर्नी और उसके बाद में हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। चलो लेट्स हैव अवर फूड और आराम करते हैं, बाकी तो कुछ करना नहीं है, बैठे रहना और आराम करना। पर वहाँ ये सफ़र ख़त्म नहीं होता, इनफैक्ट और ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि एक्चुअल जर्नी वहाँ पहुँचने के बाद स्टार्ट होगी। तो फिर आप लोगों को मिलता हूँ मैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और एंजॉय योर लाइफ, हैव फन एंड हैव अ ब्लास्ट। चलो बाय बाय, वेलकम टू अमेरिका।